आज मैं आपको लेकर आ गया बैंगलोर के नंबर वन रामेश्वर कैफे में, जिन्होंने एक से दो साल में ही इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है कि ये अपने सिंगल आउटलेट से ही 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। तो हमारे डोसा की मेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, अच्छे से बैटर यहाँ पे लगाया जा रहा है और हमारा डोसा यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अमूल का देसी घी यूज नहीं होता, यहाँ पे होता है नंदिनी का देसी घी। अब देख सकते हो ऊपर से यहाँ पे डाल दिया गया है मसाला, तो फटाफट देख सकते हो सभी डोसा में मसाला लगाने के बाद अब इनको यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिनी इडली की बड़ी सी ट्रे आ चुकी है और टोटल यहाँ पे 50 इडली एक साथ यहाँ पे लगाई जाएगी। तो देख सकते हो हमारी इडली एकदम बढ़िया तरीके से 10 मिनट के अंदर स्टीमर के अंदर रेडी हो चुकी है। अब एक एक करके यहाँ पे मिनी इडली को प्लेट में लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी मिनी इडली की प्लेट लगा दी गई है और ऊपर से डाल दिया गया सांभर और ग्रीन चटनी, और ग्रीन चटनी डालने के बाद यहाँ पे डाल दिया गया देसी घी। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मिनी इडली लग चुकी है, आपको यहाँ पे घी पूरी इडली मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो घी पूरी इडली हमारी लग के रेडी हो चुकी है। साइज देख सकते हो इडली का कितना ज्यादा बड़ा है। ऊपर से मसाला डाल दिया गया है और डाल दिया गया देसी घी। आपको गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी। तो दूध को देख सकते हो अच्छे से फेंट के यहाँ पे चाय को रेडी किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी चीज मिलेगी केले के पत्ते के ऊपर मिलेगी, सारी चीजें उसी के सर्व की जाती है। तो फाइनली बैंगलोर के फेमस रामेश्वरम कैफे की यहाँ पे तीनों फेमस आइटम यहाँ पे लग चुकी है।